हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपी। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के मोदक का भोग लगाया जाता है, तो आज मैं आपको मिल्क पाउडर से मोदक बनाना बताऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई ली है। कढ़ाई को गैस पे नहीं रखना है। एक कप दूध, थोड़ा सा घी, एक कप मिल्क पाउडर, 70 से 80 ग्राम बूरा चीनी, इसे अच्छे से मिलाकर तैयार करना है। इस तरह का घोल बनाकर तैयार करना है। रेगुलर चलाते हुए लो फ्लेम पर टाइट होने तक इसे पकाना है। कलर के लिए थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड कर देती हूँ। इस तरह का टाइट होने तक इसे पकाना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसे पकने में 5 से 7 मिनट का समय लगा है। अब मैं इसे प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं आपको मोदक बनाना बता देती हूँ। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोदक स्टैंड लिया है। मोदक स्टैंड कई प्रकार के आते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मार्केट से ला सकते हो। थोड़ा सा इसके अंदर पिस्ता डालना है। ये देखिए, हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। इस तरह से सारे मोदक बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए, हमारे मोदक बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को गणेश चतुर्थी पर बनाकर ट्राई जरूर करना। अगर आपके पास मोदक बनाने का स्टैंड नहीं है तो आप बिना स्टैंड से भी मोदक बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने बिना स्टैंड से बनाकर एक वीडियो मोदक की पहले से डाल रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स।